नमस्कार, मैक्स क्रू की तरफ से प्रस्तुत है मैक्स जिंक 12% जिलेटेड EDTA। जिंक धातुओं से युक्त मैक्स जिंक 100% EDTA द्वारा जिलेटेड रूप में उपलब्ध है, जो कि जिंक की खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह जिंक की कमी वाली फसलों तथा सभी फसलों के आम विकास के लिए बहुत उपयोगी है। फूल और दाने आने पर धान और गेहूं की पत्तियां हरी भरी रखने में जिंक बहुत मदद करता है। इससे फूल और दाने की क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। जिंक प्रकाश संश्लेषण में भी पौधों की मदद करता है। जिंक से उपचारित फसलें स्वस्थ रहती हैं और रोगों का मुकाबला करती हैं। फसलों में जिंक का महत्व। जिंक एक क्रियाशील तत्व है जो कि कई एंजाइमों के कार्य को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन के निर्धारण मेटाबॉलिज्म में जिंक का बहुत महत्व है। जिंक अमीनो एसिड की क्रियाशील में पौधों में स्टार्च बनाने में सहायक होता है। पौधों में जिंक की कमी के कारण हाइब्रिड एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसलों तथा गहन कृषि के कारण जमीनों में जिंक की कमी आना स्वाभाविक है। जिंक का पानी के साथ घुलकर जमीन में अधिक गहराई तक चले जाने से भी जिंक की कमी आती है। जिंक की कमी अधिक कार्बनिक पदार्थ और भारी जमीन में अक्सर पाई जाती है। तेजाबी जमीनों में आमतौर पर जिंक की कमी पाई जाती है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल करने से जमीनों में जिंक की कमी पाई जाना आम बात है। प्रयोग विधि मैक्स जिंक 12% जिलेटेड EDTA। भूमि शोधन 500 से 600 ग्राम मैक्स जिंक को 100 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट खाद में मिलाकर छिट्टा देकर अंतिम जुताई करें या पहली सिंचाई के पहले छिट्टा दें। स्प्रे 200 से 300 ग्राम मैक्स जिंक को 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ के हिसाब से छिट्टा दें या स्प्रे करें। मैक्स जिंक 100 ग्राम 200 ग्राम और 500 ग्राम की पैकिंग में उपलब्ध है। नोट, मैक्स जिंक किसी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर स्प्रे या छिट्टा दे सकते हैं। हमारे उत्पादों को खरीदने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.maxcrobiotic.com पर जाएं। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए हमारी ईमेल आईडी support@maxcrobiotic.com पर संपर्क करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।